मूंगी बिहारी सरकार वो सुनती नहीं है कि सरकार बजट लगातार कम कर रही है। डर नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगता। पिछले 5 साल में नरेगा में सबसे कम काम इस साल हुआ है, क्यों हुआ है? 3 कारण है। मरना तो है ही है, जब मोदी जी हमें जीते जीत मारे तो अच्छा अपने ऐसे ही मर जाए। गरीबों का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, मजदूरों का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए हम साथ देंगे। जितना जनसंख्या बढ़ रही है उतनी गरीबी बढ़ रही है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप धूप देख रहे होंगे, अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि कितनी कड़ी धूप है। तपती हुई धूप के बीच में लोग हमेशा जंतर मंतर पे आते हैं अपनी मांगों को लेके। लेकिन दो ऐसा धरना है, दो ऐसा प्रोटेस्ट है जो लगभग 50-60 दिन से लगातार चल रहा है। ये धूप ऐसा है कि अगर इंसान इसमें रहे लगातार तो इंसान की जान भी जा सकती है। और सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकलें। लेकिन आप देखिए कि भूख और पेट ज़रूरत इंसान को कहाँ पे ला देती है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर एक बार दिखाऊंगी, ये तस्वीर लगातार आप देख ही रहे होंगे लगभग 50-60 दिन से। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि इनकी मांगे कब तक पूरी होगी, मुद्दा ये है कि ये कितने मजबूर हैं कि इतनी भरी कड़ी धूप में भी ये लोग यहाँ पे। अभी मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, ये अभी देख सकते हैं आप, इनका खाली पैर है, ये खाली पैर हैं और इतनी कड़ी धूप में यहाँ पे हैं सिर्फ अपनी मांगों को लेके। नरेगा एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे भारत में बहुत सारे लोग, हजारों लोगों को काम देता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सरकार इसको बंद करने का सोच रही है, इसीलिए मजदूर विवश होकर यहाँ पे आ रहे हैं, नए नए नीतियाँ ला रही है नरेगा में, व्हाट्सएप और ऑनलाइन अटेंडेंस का। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग, उन लोगों को मालूम नहीं है, जो लोग गरीब हैं उनके पास फ़ोन नहीं है, तरह तरह की विसंगतियाँ हैं इस नरेगा में और जो लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन अभी हमारा एक मुद्दा है जो इतनी कड़ी दोपहरी में भी क्यों, क्या मजबूरी है जो यहाँ पे आप हैं? देखिए, तो बड़ी स्पष्ट बात है कि जैसा आपने कहा कि नरेगा को जिस तरह से सरकार कमज़ोर किए जा रही है, ख़त्म कर रही है, तो इसके विरुद्ध लोग आए हैं। और आप अगर आंकड़ों में देखें तो जनवरी से मार्च तक में पिछले 5 साल में नरेगा में सबसे कम काम इस साल हुआ है। क्यों हुआ है? 3 कारण हैं। पहला कारण है कि सरकार बजट लगातार कम कर रही है। दूसरा कारण है कि सरकार ने एक मोबाइल हाजिरी सिस्टम लगाई है जो पूरे देश में, जिसमें कई कारणों से इंटरनेट की का कारण, ऐप की गड़बड़ी और कई कारणों से हाजिरी नहीं लग रही है मजदूरों की। और तीसरा है कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली इन्होंने अनिवार्य किया था, जिसके वजह से कई मजदूर जो है काम से और पैसे से वंचित हो रहे हैं। तो इस कारण अगर आप आंकड़े भी देखें कि नरेगा में लगातार रोजगार जो है लोगों को मिल रहा है वो कम होते जा रहा है। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो इतनी धूप है, अगर इसी में से किसी, क्योंकि जिस तरीके से मजदूर हैं, मजदूर के पास पोषण की कमी होती है, खाने की कमी होती है, वो लोग सही तरीके से पौष्टिक नहीं ले पाते और इतनी भरी धूप में यहाँ पे मौजूद है, किसी को कुछ हो गया तो डर नहीं लगता कि नहीं चले जाएं अपने मांगों को? देखिए, मजदूर तो लगातार मांग कर रहे हैं, अब ये तो सरकार के ऊपर है, ये सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए कि भाई इतने धूप में मजदूर है तो आप क्यों नहीं इन सवालों का हल कर रहे हैं। ये सवाल तो हमको लगता है सरकार से पूछना चाहिए। सरकार तो सुन रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि संसद भवन यहाँ से काफ़ी दूर है, संसद भवन बहुत पास में है। और जो सरकार के जो लोग हैं, दिल्ली पुलिस के जवान और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको पता तो होगा ही, लेकिन फिर भी नहीं सुन रही है। नहीं, तो इसमें तो जैसे आप लोग हैं और भी अन्य मीडिया हैं, उनसे यही अपेक्षा रहती है कि लोग बात लोगों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, विभिन्न राजनीतिक दलों तक पहुँचे। और इस, चूँकि आपने सही कहा, इतने दिनों से चल रहा है तो बात थोड़ी पहुँची भी है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता है। लोग जाके सरकार से मिले भी हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से मंत्रालय में जाके मीटिंग किए हैं, तो ऐसा नहीं है सरकार को नहीं पता है। तो ये सवाल शायद बनता है कि क्यों नहीं सरकार कार्रवाई कर रही है, जो हमको लगता है कि उनसे पूछना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि कभी, अरे छोड़ो इतनी धूप है अब चलते हैं, मरमरा जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा काम ढूंढ लेंगे। अब देखिए, अब तो मजदूर तो लगातार आ रहे हैं गाँव में। अगर आज के दिन में हम लोग देखें तो एक नरेगा ही तो बड़ा आजीविका का साधन है ना, रोजगार का, और क्या है। तो लोग अगर आज के दिन में काम चाहिए तो या तो आप पलायन करेंगे, पलायन में भी पक्का काम मिलता नहीं है। और गांव में एक था नरेगा, वो भी कमज़ोर हो रहा है, तो बड़ी स्पष्ट बात है कि इसीलिए मजदूर आए हैं। हम और भी महिलाएं भी हैं इसमें, हम उनसे बात करेंगे कि
क्या मजबूरी है जो इतनी धूप में, खैर जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो लोग अपने घर में एसी में, पंखे में, कूलर में आप लोग होंगे, हालांकि ये सब हो या ना हो लेकिन छांव तो ज़रूर होगा, लेकिन ये लोग धूप में यहाँ पे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो इतनी गर्मी में यहाँ पे हैं और आपने एकदम दुपट्टा उपट्टा रख रखा है, गर्मी नहीं लग रही इतनी धूप में? लगता नहीं है कि मरमरा जाएंगे, चले जाएं घर, यहाँ पे क्या टाइम वेस्ट करें? मरना तो है ही है, जब मोदी जी हमें जीते जीत मारे तो अच्छा अपने ऐसे ही मर जाएं। इतनी धूप में आपके लिए व्यवस्था नहीं किया गया सरकार की तरफ से कुछ? सरकार गूंगी बैरी सरकार है, वो सुनती नहीं है। तो क्या मजबूरी है, इतनी धूप में लोग मर रहे हैं, सरकार की तरफ से एडवाइजरी आ गई है कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो धूप में ना निकले, लेकिन आप लोग इतनी करकराती धूप में यहाँ पे मौजूद पेट की खातिर निकलना पड़ता बेटा। पेट की, पेट एक ऐसी चीज़ है कि सब कुछ करा लेती है, और पेट की खातिर हम लोग निकले। हमारी अभी बहनें चली गई हैं, बहनें हमारी बधाऊँ से आई हुई थी जो मजदूरी का जो काम करती हैं, तो उनको मतलब सारा दिन काम करती हैं 8 घंटा 10 घंटा, और 213 रुपये उनकी झाड़ी है, वो भी झाड़ी मिलती नहीं है। तो हमको यहाँ पे 3 महीने हो गए पड़े पड़े, मैं तो दिल्ली से ही हूँ, तो बधाऊँ से आई थी तो वो चली भी गई हैं, और कुछ लोग हैं एक हमारे साथ ही, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं ये, लेकिन इनमें देखिए साहस कितना है कि ये यहाँ इतने लोगों के साथ आप बैठी हुई हैं, डर नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगता। हमारे साथियों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रोज़गार के लिए लड़ रहे हैं हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, गरीबों का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, मजदूरों का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम साथ देंगे उनके लिए। इतनी कड़ी धूप में लगातार 50-60 दिन तक? मैं 83 ईयर्स की हूँ, 83 साल की हूँ इस वक्त, नहीं डरती हूँ। क्यों डरना, किससे डरना? मौत से डर जाए, मर जाएंगी, कुछ हो जाएगा, लू लग जाए तो है ही, मरना तो है ही। अगर हम किसी के साथ, किसी की लड़ाई में अपनी जान दे दें तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम उस रास्ते को, उस इंसान को हम महान मानते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग लड़ती रहेंगी? लड़ती रहेंगी, और हम हमेशा लड़ते रहते हैं। हाँ। महिलाओं के अधिकार के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आज से नहीं। क्या मांगे मजदूर किसान? रोटी, कपड़ा और मकान, क्या मांगे मजदूर किसान? सरकार जब आ रही थी, जब मोदी सरकार जब अपना सत्ता भार संभाल रहे थे, तब उन्होंने बहुत अच्छा नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, महिला, मजदूर, जवान, किसान, यही सब हैं हमारे। सबको बिखरा दिया, मजदूरों को अलग कर दिया, किसानों को अलग कर दिया, महिलाओं की तो कोई समस्या नहीं सुनता है मोदी। आप देखो रोजाना कितने बलात्कार के केस आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ। कोई बच्चा स्कूल जाता है या बाहर खेलता है, उठा के ले जाते हैं, है उसका कोई पूछने वाला? उनका साथ देने वाला है ये मोदी देता है? इसमें सरकार क्या करेगी? अब आपके अंदर खराब है नीयत, तो इसमें सरकार क्या कर सकती? हमारी नीयत खराब है? नहीं, आपकी नहीं, जो नहीं। लोग बलात्कार कर रहे हैं, तो क्यों नहीं तुम उसको उठा के फांसी चढ़ाते हो? ऐसे तुम 10-15-20 लोगों को फांसी में चढ़ा दो, ये बंद हो जाएगा? जब उनके खिलाफ कोई तुम कार्रवाई नहीं करोगे, कोई सज़ा नहीं दोगे, तो कहाँ से होगा? कोई रोकोगी तो चलता रहेगा, सबका मन, सबका दिल जो है खुल जाएगा कि कर लो, सरकार कुछ नहीं कर रही। एक सवाल और है मैडम आपसे कि लगातार हम लोग जो हैं छोटे छोटे चैनल्स वाले आपको हमेशा कवर कर रहे हैं, नेशनल टेलीविज़न जो है, टीवी आपने सुना होगा आज तक, GTV, ये सब आपको कवर करने के लिए नहीं आता? नहीं आता बिल्कुल। हमारे सामने क्या, हमारे जहाँ हम होंगे वहाँ वो आएंगे ही नहीं। क्यों, क्या वजह? वो मोदी का है, वो नहीं चाहता मोदी कि हम लोगों की आवाज़ पहुंचे सरकार तक। और क्या सरकार को, मोदी को पता नहीं है कि
क्या हालत है हिंदुस्तान की, पता है, सब पता है। आज ही एक आंकड़े में यूएन का रिपोर्ट आया है, यूनाइटेड नेशन का, कि चीन को भी पीछे छोड़ दिया है भारत जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है जनसंख्या, बढ़ रही है तो वो जितना जनसंख्या बढ़ रही है उतनी गरीबी बढ़ रही है। कौन रोक रहा है? अमीरों के साथ देता है ये। कब तक रहेंगी आप यहाँ पे, कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? और संसद भवन बहुत पास में, अभी ये और एक महीना नहीं, 100 दिन का 50 दिन तो खत्म हो गए, 50 दिन और रहेंगे, आएंगे हम, बैठेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। देख सकते हैं आप इनकी जो एज है 80 पार है और 83 है, 83 साल की ये बुजुर्ग महिला हैं, और इन्होंने अपने मजदूर भाई बहनों के लिए, अपने लिए जो नरेगा इन लोगों को काम देता है उसके लिए ये यहाँ पे रहने के लिए मजबूर हैं, और ये यहाँ रहेंगी, तब तक रहेंगी जब तक सरकार इनकी बात नहीं मान लेती। मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगी कि कितनी भारी जो धूप है, आप एक बार देखिए, अगर आप घर में बैठे होंगे तो आप इनके दर्द का अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ होती होगी जब हम घर में बैठे हुए हैं, कोई अपनी ही हक के मांग के लिए, अपनी मांग के लिए जो इनका खुद का है उसके लिए ये मजबूर हैं यहाँ धरना देने के लिए। इन लोगों के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि सरकार इनकी बात बहुत जल्द सुने, लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति अभी देखी जा रही है कि धूप में ठंड चली गई, धूप आ चुका है, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है, क्या लगता है आपको कब तक पूरी होगी? आपकी जो भी राय है, सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, इनका क्या होगा, ये पूरी जो है आप पे निर्भर करता है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैमरामैन खुशबू के साथ मैं शिखा सिंह, जंतर मंतर दिल्ली, धन्यवाद।